voice of Shazayab Kazmi. Hazrat Imam Muhammad Baqir Alaihis Salam, 1 Rajab, 57 Hijri, Yome Juma, Madina Munawwara mein paida hue. Aapke walid Hazrat Imam Zainul Abidin hain aur walida Majida Umme Abdullah Fatima binte Imam Hasan Alaihis Salam hain. Aapka isme garami Lohe Mehfooz ke mutabik Muhammad tha. Aapki kunyat Abu Jafar thi aur aapke ilqab Kaseer the, jin mein Baqir, Shakir, Hadi zyada mashhoor hain. Ilama Sibt ibn Jozi ka kehna hai ke kasrat-e-sujood ki wajah se aapki peshani wasee thi, isliye aapko Baqir kaha jata hai. Aur ek wajah ye bhi hai ke Jamiat-e-Ilmiya ki wajah se aapko ye laqab diya gaya hai. Aapki umar abhi 2.5 saal thi ke Madina Munawwara se Karbala tak ki sohbat-e-safar bardasht karni padi. Iske baad waqiye Karbala ke musaib dekhe, ek saal Sham mein qaid rahe, phir wahan se chhoot kar 8 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा वापस हुए. जब आपकी उम्र 4 साल हुई तो आप एक दिन कुएं में गिर गए, लेकिन खुदा ने आपको डूबने से बचा लिया. जब आप इस कुएं से बाहर आए तो आपके कपड़े और आपका बदन तक भीगा ना हुआ था. इलामा इब्ने शहराशूब लिखते हैं कि इमाम को खुद इरशाद है कि हमें तारों की जुबान भी सिखाई गई है और हमें हर चीज का इल्म हासिल है. रोजतुल सफा में है कि खुदा की कसम हम जमीन और आसमां में खुदा के खाजीने इल्म हैं और हम ही शजरे नबुवत और मादने हिकमत हैं. वही हमारे यहाँ आती रही है, फरिश्ते हमारे यहाँ आते रहे हैं. यही वजह है कि दुनिया के जाहिरी और बाबे इक्तदार हमसे जलते और हसद करते हैं. आपले इस्लाम का दिल साफ, इल्म व अमल रोशन, ताबंदा नफ्स पाक और खलकत शरीफ थी. आपके कुल औकात अताते खुदावंदी में बसर होते थे. अहदीस आइमा में है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान को जितनी अकल दी गई है इसके मुताबिक इससे क्यामत में हिसाबो किताब होगा. आप अगरचा अपने इल्मी फैज़ो बरकात की वजह से इस्लाम को बराबर फरोग दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हशाम बिन अब्दुल मुल्क ने आपको जहर के जरिए से शहीद करवाया. आप 7 सुलहज 114 हिजरी को मदीना मुनवरा में इंतकाल फरमा गए. इस वक्त आपकी उम्र 57 साल थी और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया. आपकी 4 बीवियां थीं, उम्मे फरवा, उम्मे हकीम, लैला और एक उम्मे फरमा बिनते कासिम थीं, जिनसे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला फतेह पैदा हुए.